ईशा जी इधर 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 इधर, थैंक यू थैंक यू मैम। आज इनसे स्टार्ट करते हैं, आप किस स्टार से? बहुत नर्वस हूं कि आपको देखिए सेंटर में देखना, ये सवाल ये लोग यहां कहीं से पूछ रहे हैं। किस तरह के कलेक्शन हम आपको हम आपके देखेंगे, क्योंकि आपकी सिस्टर जो है ब्यूटीफुल एक्टर है इंडस्ट्री की, और आप जो है ब्यूटीफुल डिज़ाइनर है, तो कुछ बताइए हमें आपके कलेक्शन के बारे में। पूरी कलेक्शन समर वेडिंग समर रिजॉर्ट वेयर पे है, डेस्टिनेशन ब्राइड्स एंड लाइटर क्लोथ्स विद मोर एंड मोर ऑफ मोर एंड मोर ऑफ ईजी स्टाइलिंग ईजी क्लोदिंग, उसी पर सारा फोकस है। हाँ, बिकॉज द इंटायर आइडियोलॉजी अराउंड द डिज़ाइनिंग सेंस इज दैट कम्फर्टेबल क्लोथ्स हो लेकिन फील उसमें बहुत रॉयल आए, पूरा उसमें ग्रेस एंड सिंप्लिसिटी आए। और ये जो साड़ी है ईशा जी की जी, ये आपके डिजाइनर है, एब्सोल्युटली थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहिए, थोड़ा बताना चाहिए, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। हमने इन्हें अभी बताया कि ही डिड सो, हमारी लैंग्वेज में बताया कि पटाखा लग रहा है। आप जरा बताइए क्या आपकी पटाखा का ये फेवरेट कलर है, एंड ऑल्सो इट सूट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली। ऑर्गेंजा का यूज करा है बिकॉज उसकी जो ब्यूटी और शेयरनेस है दैट इज एब्सोल्युटली वेरी लाइट वेरी डेलिकेट, समर्स को माइंड में रख के तो वो उनके लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली जी। कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहिए आपकी सिस्टर के बारे में, इनके कलेक्शन कैसा है? ये कलेक्शन मेरी बहुत फेवरेट है बिकॉज दिस इज समर ब्राइड, और कपड़े उतारने का ज़्यादा शौक है मुझे, तो आई थिंक समर ब्राइड इज़ बेटर देन विंटर ब्राइड मेरे लिए। नहीं बट कमिंग बैक टू आई प्रिफर लाइटर कलर्स लाइटर फैब्रिक। हाँ, फैशन शो वगैरह हमारा शूट्स पे डिफरेंट होता है क्योंकि हमें तब अलग अलग पहनना पड़ता है, बट अगर आई थिंक फॉर मी इट विल ऑलवेज बी अ समर ब्राइड एंड कलर, शी राइटली सेड येलो इज़ माय फेवरेट कलर। प्लस अंदर भी अगर आप कलर देखेंगे एक्सेप्ट द टिपिकल जो रंग होते हैं ब्राइड्स के रेड ग्रीन, उसके अलावा उसके ज़्यादा पेस्टल्स यूज़ किए हैं, सो दैट यू नो एंड डेस्टिनेशन वेडिंग समर्स में ही होती है ज़्यादातर, लोग इटली रोम एवरीवेयर दे गो, सो आई थिंक फॉर दैट इट्स रियली नाइस। एंड उनकी तभी उनकी कलेक्शन का नाम भी गज़ल है बिकॉज दैट्स वाई जो आपने जैसे बोला कि मुगल सॉट्स आपको फील आती है, तो शी स्केप्ट द रॉयलनेस इन अर क्लोथ्स एंड फैब्रिक, मतलब एम्ब्रॉयडरी में रॉयलनेस रखी है फैब्रिक में, बट फैब्रिक उन्होंने शी स्केप्ट दैट इन माइंड कि लाइट हो, बिकॉज समर में क्या होता है ना ज़्यादातर एनी वे दैट सो हॉट एंड डेस्टिनेशन, तो इवन द ब्राइड्स जो कि नेहा जी के पास हमेशा से मेरी सिस्टर के पास आए हैं ब्राइड्स, दे ऑलवेज डिमांडेड फॉर लाइटर क्लोथ्स सो दैट you know it's easier to dance easier to move fero ke time pe aasan rahe, so I think it's really nice, feel like yeah. And also if you talk about the summer collection, you know sari is something that I think खासकर इंडियन पहनी, आई थिंक साड़ी एक ऐसा आउटफिट है कि हर औरत पे बहुत सुंदर लगता है। आप अगर किसी फॉरेनर को भी देखे ना कभी साड़ी पहन के, आपको लगता है हाय साड़ी पहनी। आई रिमेंबर व्हेन मिशेल ओबामा आई थिंक वोर वंस, तो हर एक को इतना अच्छा लगा था कि साड़ी, एंड साड़ी आई थिंक internationally is the best outfit possible I feel for any woman around the world, and you know apart from that like I said like yellow is my favorite color, so I demanded yahan pe main demand kar sakti thi ki mujhe yellow pehen kar aana hai, to maine demand kiya aur banwaya. Isha ji dekha jaye aap ye summer season kaafi enjoy kar rahe hain, instagram se mujhe pata hai chal raha hai kabhi watermelon khate ho kabhi ganne ke बहुत इन्जॉय कर रही हूँ अभी फिलहाल, वो वाटरमेलन और नारियल पानी जो आपने देखा वो हमारी शूट चल रही है अभी भी, मैं वहीं से आ रही हूँ, मठ में हमारी शूट चल रही है, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ईरानियन फिल्म, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड बहुत गर्मी है बिकॉज आई मीन जब आप मठ में आउटडोर करते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा इतनी गर्मी है, बिकॉज यूजली हम गर्मियों में ना इंडोर होते हैं या स्टूडियो में फिल्म सिटी महबूब में, बट ये आई थिंक पहली शूट है मेरी जो मैंने इतनी गर्मी में इंडिया में शूट किया, समर में इतनी भी गर्मी नहीं है, बट यू रियलाइज़ कि अच्छा दैट्स द बेस्ट वे टू कूल एंड फोटोशूट भी हो जाती है। तो कैसा एक्सपीरियंस फर्स्ट इंटरनेशनल जी हॉट सीजन में जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है, उन लोगों का कल्चर डिफरेंट है, आउटफिट भी उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है, बट अगर आप देखें इंटरनेशनली बात का कहीं भी आप जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं मैक्सिमम इंटरनेशनल फिल्म सेक्शन में ईरानियन फिल्म दे विन द बेस्ट अवार्ड्स फिल्म में, क्योंकि ना उनकी जो फिल्म है जब हम ये फिल्म कर रहे हैं, मेरी मैनेजर भी है वो भी आई थिंक शी लग रही विद दैट, देयर स्टोरीज आर वेरी हार्ट टचिंग एंड वेरी सिंपल, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी, सो एंड
बट मोर देन एनी थिंग फर्स्ट टाइम मैं इंग्लिश में एक्ट कर रही हूँ. इंटरव्यूज देना अलग बात होता है बट एक्ट करना इंग्लिश में अलग है क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम हिंदी बोलते आए हैं, हम लोग इंग्लिश में नहीं करते. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. एंड दूसरे कंट्री के लोगों के साथ कैसे वो करते हैं, उनका उनकी तहजीब, उनके तरीके जो होते हैं, उनकी आदत, वो सीखने में एक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. ईशा जी, आपका अब तक काफ़ी बोल्ड अंदाज रहा है, तो इस समर सीजन क्या टिप्स देना चाहोगी लोगों को, किस तरह से समर सीजन? पानी पीजिए, बहुत अच्छा पूछिए. पानी पीजिए, वाटरमेलन, सब मैं टिप्स दिए जा रही हूँ, नारियल पानी नहीं. बट आई थिंक मोर देन एनी थिंग, आई थिंक वो जो अभी बीच पे एक ट्रेंड चला था खासकर लड़कियों के लिए, काफ़ी लड़कों के लिए, दैट दे वर बिजी नॉट ईटिंग बिकॉज एक पतलेपन का जो फैशन चला था. ऑल आई विल से इज़ आई नो इट्स समर्स एंड आई नो एवरीवन वांट्स टू एंजॉय द समर हॉलीडे, बट बी हेल्दी मोर देन एनी थिंग. प्लीज़ खाइए बिकॉज समर्स में भूख जनरली कम भी लगती है, तो हैव मोर वाटर सो यू गेट ऑल द मिनरल्स, हैव मोर फ्रूट्स बिकॉज इट्स रियली रियली हॉट. सो यू नो, फोकस ऑन बींग हेल्दी एंड हेल्दी इज बींग इनफ. नहीं नहीं, अब तो मैंने कपड़े पहन लिए, लास्ट ईयर दिखा दिया जो दिखाना था. अच्छा, आपकी सिस्टर से एक सवाल जानना चाहेंगे जी. आपकी सिस्टर जो है वो वेल पॉपुलर एक्टर है जी, फिल्म इंडस्ट्री से जी. आपको भी हम ऐसे देखेंगे एक्टिंग करते हुए? यार अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं है. नेवर नो, ऐसी कोई सिस्टर पे फिल्म बननी चाहिए तो दो सिस्टर, ऐसा ईशा जी आप कर लेंगे. मतलब क्या होगा, एक अच्छी वाली होगी, एक बुरी वाली. एक होता है, हर होता है ना, सीता और गीता. सीता थी ना अच्छी वाली, तो ये रही सीता, ये रही गीता. ना ना, कहाँ सीता साड़ी में, अरे पू बनी पार्वती है आज बस, और कुछ नहीं है. हीरो कौन रहेगा? नेहा दी, आपको कौन से पसंद है? हीरो पर भी दो चाहिए आपको. कौन सा आपका फेवरेट हीरो बताइए, हम तो सबके साथ, हमें तो सब पसंद है. Anyone? Khan, Shahrukh Khan. I think Rahul se to sabke pyar hai. Aur Pathan ka kuch status agar aap? 7th September release ho rahi hai, and I'm really excited because, and I hope film does really well because mere liye I think it was chota, bahut chota role hai. I only did it because, to be really honest, Arjun is a dear friend, but more than anything, अपनी लाइफ टाइम में एक मेरे आर्काइव में एक होगा, जिस मतलब जेपी दत्ता सर के साथ मैंने मूवी बनाई. मेरे फादर, हमारे फादर एयरफोर्स में हैं, थे, तो इसीलिए अब रिटायर्ड हैं पापा, तो इसीलिए हमारे लिए ना, पापा फादर वाज अ पार्ट ऑफ इंडो चाइना वॉर एक्चुअली. सो मैं जेपी सर से सेट पे ये बात करी थी, ऐसे सर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, एंड हिज ब्रदर वाज अ पायलट एज वेल. तो आई थिंक उस हिसाब से इट्स गुड टू रिलिव द मेमोरी दैट माई फादर हैज एक्चुअली सीन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.